हेलो गाइज वेलकम टू आवर चैनल ओशन ऑफ नॉलेज आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एमसीक्यूज ऑन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें साथ ही में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है तो आप लोग उसे भी ज्वाइन ज़रूर करें तो चलिए अब हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं तुम्हारा तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिजीज़ दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड वो डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड हो जाती है उस पर्सन सॉरी उस डिज़ीज़ को क्या बोलते हैं तो उस डिजीज़ को बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होती है कि अगर वो डिजीज़ किसी इन्फेक्टेड पर्सन को हुई है तो उसके कॉन्टैक्ट में अगर कोई हेल्थी पर्सन आएगा तो वो डिजीज़ उसे भी हो जाएगी ठीक है नेक्स्ट पिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड नहीं होती है जब भी कोई हेल्दी पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टेक्ट में आएगा तो वो डिजीज़ जो इन्फेक्टेड पर्सन को है वो हेल्दी पर्सन को नहीं होगी जो कम्युनिकेट नहीं करती हैं डिजीज़ उन्हें बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ तो इनमें से कौन सी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो कैंसर भी ऐसे ही है कि एक पर्सन को होगा तो वो दूसरे को नहीं होगा अगर वो उसके कॉन्टेक्ट में आएगा डायबिटीज़ हाइपरटेंशन तो ये तीनों ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी एव नेक्स्ट सिस्टिक फिब्रोसिस एंड हेमोफिला आर एग्जाम्पल्स ऑफ ये जो दोनों बीमारियां हैं ये किसकी एग्जाम्पल्स हैं ठीक है सिस्टिक फेब्रोसिस जो है सिस्टिक फेब्रोसिस तो ये एक हेरिडेटरी डिजीज़ है मतलब ये इनहेरिटेड हो जाती है वन जनरेशन टू अनदर ठीक है इस फाइब्रोसिस में क्या होता है कि जब भी कोई चाइल्ड बॉर्न करता है तो उसके जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो कम्प्लीटली वर्क वर्क नहीं करते हैं करेक्टली वर्क नहीं करते हैं ठीक है तो ये एक हेरिडेटरी डिजीज़ है और हेमोफीला जो है वो भी हेरिडेटरी डिजीज़ है इसमें क्या होता है हेमोफीला में कि जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं करता है अच्छी तरह से ठीक है वो क्लॉट करने की जो उसकी एबिलिटी होती है वो रिड्यूस हो गई होती है तो ये दोनों जो है ये एग्जाम्पल्स हैं हेडिडेटरी डिजीज की ठीक है नेक्स्ट एल्जाइमर्स एंड ऑस्ट्रोपोरोसिस आर एग्जाम्पल्स ऑफ एल्जाइमर्स और ऑस्ट्रोपोरोसिस जो हैं ये कौन सी डिजीज की एग्जाम्पल्स हैं ठीक है चेके? तो ये किसकी इग्जाम्पल्स हैं ये हैं डी जनरेटिव डिजीज की अब डीजेनरेटिव डिज़ीज़ क्या होती है ये वो डिज़ीज़ होती है जिसमें जो बॉडी टिश्यूज़ होते हैं वो इंजर्ड हो जाए ठीक है जिस भी डिजीज़ में बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं वो इंजर्ड हो जाएं तो उसको बोलते हैं डीजेनरेटिव डिज़ीज़ ठीक है तो अब आपने एग्जाम्पल्स को तो सुना होगा कि ये क्या होता है जिसमें जो ब्रेन है वो वर्क नहीं करता है सही से तो ऑस्ट्रोपोरोसिस क्या होती है जिसमें बोन्स जो हैं वो वर्क नहीं करती हैं ठीक है तो ये दोनों जो डिजीज हैं ये किसकी एग्जांपल्स हैं डी जेनरेटिव डिजीज़ की और डी जेनरेटिव डिजीज़ क्या होती है जिसमें जो टिश्यूज़ हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉस्ड बाय वेरियस पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स वो डिज़ीज़ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है उसे क्या बोलते हैं तो उसे बोलते हैं इन्फेक्ट डिज़ीज़ इन्फेक्शन की वजह से जो हो जाती है ठीक है जैसे बैक्टीरिया वायरस फंगी इनकी वजह से जो डिज़ीज़ होती है उन्हें हम बोलते हैं इन्फेक्ट डिज़ीज़ नेक्स्ट द डैफिशंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड वाई डैफिशेंसी डिज़ीज को हम रोक सकते हैं इन चारों में से क्या करके डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती है जब हम बैलेंस डाइट प्रॉपरली नहीं लेते हैं तो किसी भी न्यूट्रिएंट जब प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की वजह से जो भी हमें बीमारी होती है उसे बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ ठीक है तो इसमें से क्या है प्रोलॉन्ग्ड कुकिंग ऐसा तो नहीं है कि हम कुकिंग करके हम डेफिशिएंसी डिजीज़ से बच सकते हैं ईटिंग ओनली फ्रूट्स अगर हम सिर्फ फ्रूट्स खाएँ तब भी डेफिशेंसी डिजीज से नहीं बच सकते वेजिटेबल्स खा के भी नहीं बच सकते तो हमें क्या करना होता है उसके लिए डेफिशिएंसी डिजीज को ठीक करने के लिए हमें ईटिंग फूड विद गुड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो और वो न्यूट्रिएंट्स जो हमें चाहिए तो हमें डेफिशिएंसी डिजीज़ नहीं होती है तो इसका राइट आंसर डी पार नेक्स्ट एड्स कॉमन कोल्ड डेंगू फीवर एंड इन्फ्लुंजा आर एग्ज़ाम्पल्स ऑफ ये जो बीमारियां हैं ये किसकी इग्ज़ैम्पल्स हैं ठीक है तो ये किसकी एग्ज़ाम्पल्स हैं ये हैं इन्फेक्टस डिजीज की एग्जाम्पल जो इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है जैसे कोल्ड है डेंगू है तो ये इन्फेक्शन की वजह से होता है तो ये आ गई इन्फेक्श सॉरी इन्फेक्ट डिजीज की एग्ज़ाम्पल्स नेक्स्ट है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इन्फेक्टस डिज़ीज़ इनमें से कौन है जो इन्फेक्ट डिजीज़ नहीं है जो बैक्टीरिया वायरस की वजह से नहीं होती है तो डेंगू हमने पहले भी पढ़ा यहाँ पर पहले पढ़ा हमने कि डेंगू जो है वो इन्फेक्ट डिज़ीज़ है तो डेंगू तो नहीं होगा ठीक है अब स्कर्बी स्कर्वी किस वजह से होती है विटामिन सी की वजह से विटामिन सी की जब कमी हो जाती है तब स्कर्बी होती है तो स्कर्वी जो है वो कौन सी डिजीज़ हुई ये हुई डेफिशेंसी डिजीज़ लेकिन इस पर पूछा है इन्फेक्ट्रस डिज़ीज़ तो टाइफाइड फ़ीवर ये भी इन्फेक्शन की वजह से होता है कफ खांसी वगैरह लग जाती है तो वो भी इन्फेक्शन की वजह से तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा किस कर भी वो इन्फेक्ट्रस डिज़ीज़ नहीं है वो एक डफिशंसी डिजीज़ है नेक्स्ट है एमॉक्सिलीन डिओक्सीकलिन एजिथ्रोमाइसिन एंड पेंसिलीन ये सारे जो हैं किसके एग्जाम्पल्स हैं ठीक है तो ये हैं एंटीबायोटिक्स की एग्ज़ाम्पल ठीक है एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं जैसे हमें कभी फ़ीवर हो जाता है अगर तो हम एंटीबायोटिक्स की दवाई लेते हैं ठीक है एंटीबायोटिक्स लेते हैं हम तो ये सारी वही दवाइयां हैं जो हम लेते हैं एमोक्सिलीन इनके कैप्सूल्स खाते हैं हम तो एज़ ए एंटीबायोटिक लेते हैं तो ये सारे एंटीबायोटिक्स हैं इसी तरह से एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं एंटीसेप्टिक्स होते हैं कि कहीं अगर हमें कहीं लग जाती है तो उस पर जो सीरम्स वगैरह हम लगाते हैं लाइक डेटोल हम लगाते हैं तो जो डेटोल है वो हमारा एंटीसेप्टिक है और ये जो दवाइयाँ हैं जो खांसी जुकाम पर हम ले सकते हैं इन्हें हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं ठीक है नाउ थैंक्स गाइस अगर आपको ये वी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी के साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है तो आप लोग उसे भी ज्वाइन ज़रूर करें थैंक यू